Welcome to my channel, The Blessings Bless Online School. ठीक है, ये करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये है हमारे पास, ये बराबर है माइनस वन टू थ्री और ये जीरो, ठीक हो गया। और ये बी है हमारे पास वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक हो गया। और जी सी हमारे पास है माइनस वन थ्री टू और ये जीरो, ठीक है। ये तीनों आ गए हमारे पास, ए बी और सी। तो हमने क्या करना है, इनकी मदद से दर्जे की तस्दीक करनी है। अब इन की मदद से दर्जे की तस्दीक करें। किस किस की तस्दीक करनी है जी, हमने तस्दीक करनी है नंबर वन पे हमने करनी है ए बी, ये ट्रांसपोज करना है इसका। फिर हमने बी का ट्रांसपोज करना है, फिर हमने ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, इसके बराबर करना है। ये पहले हमने पहले जुज में ये करना है। अब जी दूसरी जुज में हमने करना है बी सी, ये सही लिखा बी सी का क्या करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। बराबर है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये हम करना है केस में दूसरी चीज में, ठीक है। ये दोनों हमने करनी है पहली और दूसरी चीज में। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले पहली चीज करते हैं। पहली चीज हमारी क्या थी, पहले हमारे चीज में था ये देखिए ए और पहली चीज ये थी, ये करनी है हम पहले। तो इसको हम नीचे ले आकर लिखेंगे, हम लिखेंगे पहली चीज में ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये करेंगे हम, इसको करने के लिए हम अब हल कर रहे हैं। हल में हम क्या लिखेंगे, हल में हम पहले ए बी मालूम करते हैं, पहले क्या मालूम करते हैं, ए बी मालूम करते हैं, ठीक हो गया। पहले ए और ये बी मालूम करते, ठीक है। तो हमारी ए मैट्रिक क्या है, माइनस वन थ्री टू और जीरो, ठीक हो गया। और बी क्या है हमारे पास, बी है वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे जरा। तो पहले हम माइनस वन को करेंगे किसके साथ, वन के साथ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, इधर हम नीचे लिखेंगे माइनस वन इंटू वन, उसके बाद हम लिखेंगे थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक हो गया। अब हम दूसरे नंबर पर हम करेंगे वन माइनस वन इंटू टू, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे थ्री इंटू माइनस वन, ठीक है, ये माइनस है माइनस वन। तो इसको अब हम कर देते हैं रेज और नीचे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस वन इंटू टू, ठीक है, और प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम ने क्या करना है बराबर देते हैं। तो हमने लिखना है, अब दूसरी हम रकम करेंगे, पहले हमने ऊपर वाली की थी तो अब हम नीचे वाली करेंगे टू इंटू वन, ये नीचे वाली रकम में से लेंगे, हम लिखेंगे टू इंटू वन। फिर हम करेंगे प्लस जीरो इंटू जीरो इंटू ये माइनस थ्री, ठीक है। तो नीचे चल के इसे हम लिखते हैं यहाँ पर टू इंटू माइनस वन प्लस जीरो इंटू माइनस थ्री, ठीक हो गया।
अब बराबर हो जाते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है टू इंटू टू और प्लस जीरो इंटू माइनस फाइव, ठीक है। ये हम नीचे चल के इसे लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे टू इंटू टू प्लस जीरो इंटू माइनस फाइव, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास आ गई ये चार। अब हम इनको हल करेंगे तो माइनस वन और वन, चलो ये देखिए माइनस वन और वन इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा ये इधर माइनस वन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस और वन है और माइनस आगे क्या है इन टू वन है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस वन। अब दूसरा जब हम करेंगे ये वाला तो हमारे पास आएगा क्या आएगा माइनस नाइन। तो ये माइनस और प्लस जो है ये माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये माइनस, इसको जब हम ज्यादा करेंगे थ्री इंटू थ्री करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस नाइन। उसके बाद हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस वन इंटू टू, तो ये हमारे पास आएगा टू और माइनस फाइव, इधर आएगा माइनस टू और माइनस फिफ्टीन आएगा, ठीक है। इन दोनों का ये थ्री फाइव का फिफ्टीन आएगा और इन दोनों का इसी तरह से हम जरा करेंगे तो हमारे पास आएगा टू प्लस जीरो। और इसको जब हम करेंगे टू टू का और जीरो माइनस टू को जब जीरो इंटू माइनस टू करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर प्लस जीरो, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, यहाँ बराबर का निशान जरूर डाल रहे हैं, यहाँ पर भी बराबर का निशान जरूर डाल रहे हैं। तो अब इनको हम जब क्या करेंगे ये जमा करेंगे, इनको मजीद हम जब हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अलामत तो माइनस की लगेगी ना, तो हमारे पास आएगा माइनस टेन, ठीक है। और जब इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस सेवनटीन, और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा टू, और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर, ठीक हो गया। ये आ गई हमारे पास, तो हम इक्वल कंडीशन जरूर लगाना है। ये अब हमारे पास आ गई ए बी का ट्रांसपोज, अब हम करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इसको हम अब जो ये हमारी ठहरे, अब ये जो हमारी है इसकी ये कॉलम है जो ये हमारा, इसको हम रो लिखते हैं तो हम लिखेंगे माइनस टेन और ये टू, और इसको दूसरी रो में हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी रो में इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे सेवनटीन माइनस सेवनटीन और ये फोर, ठीक हो गया। इस तरह से लिखेंगे हम, तो ये हमारा फर्स्ट से हमारा ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज मालूम करते हैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ये मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बी बराबर है वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव, ठीक है। तो अब बी का ट्रांसपोज कैसे होगा, मैंने आपको बताया है कि कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं, तो हमारा कॉलम कहाँ है मैं आपको बताती हूँ इस वक्त से, तो ये हमारा है कॉलम, इसको हम रो में, ये है हमारा दूसरा कॉलम, इसको भी रो में हम चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले पहला कॉलम लिखेंगे, ये पहले हम पहला कॉलम भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे वन माइनस थ्री, अब हम दूसरा काम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे उसको रॉ में हम चेंज करके लिख रहे हैं टू माइनस फाइव, ये हमारा ट्रांसपोज निकला है। अब हम करेंगे ए का ट्रांसपोज, ए हमारी क्या रकम थी, ए बराबर है माइनस वन थ्री टू और जीरो था, तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम इसकी जो कॉलम है इसको हम रॉ में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे जी हम लिखेंगे माइनस वन और टू, इसी तरह से ये दूसरा जो हमारा कॉलम है इसको भी हम रो में चेंज करके लिखेंगे थ्री और जीरो लिख दिया हमने, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, इस चीज़ का ए का ट्रांसपोज निकल गया हमारा, ठीक हो गया। अब हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करेंगे, अब हम बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव, ठीक है। और दूसरा हमारा
बी क्या था माइनस वन टू थ्री और सी, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखिए हम करेंगे इधर वन इंटू माइनस वन, क्या करेंगे हम लिखेंगे वन इंटू माइनस वन, ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास आएगा माइनस थ्री इंटू थ्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लाइन में करेंगे, हम करेंगे वन इंटू टू और थ्री इंटू जीरो। तो अगर इसको रेज कर दूँ ताकि जब हम दोबारा रखें तो आपको साफ साफ पता चले। तो इसे हम अपने आसान के लिए दूसरी लाइन में लिखते हैं, वन इंटू टू प्लस माइनस थ्री इंटू जीरो, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे दूसरी लाइन, तो हम लिखेंगे टू इंटू माइनस वन और माइनस फाइव इंटू थ्री, ठीक है। तो तीसरी लाइन में हम लिखेंगे टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस फाइव इंटू थ्री, ठीक हो गया। अब हम करेंगे टू माइनस टू, टू सॉरी टू और इंटू टू और माइनस फाइव इंटू जीरो, ये करेंगे। तो इसको मैं तेज कर दूँ तो नीचे आप हम लेते हैं टू इंटू टू प्लस माइनस फाइव इंटू ये जीरो, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास ये आते हैं चार क्वेश्चंस। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो हम वन इंटू माइनस वन को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा नीचे माइनस वन। अब हम इसके बाद माइनस थ्री इंटू थ्री को करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस नाइन। अब हम करेंगे इसको हल तो हमारे पास वन इंटू टू, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा इधर थोड़े से पास में हम लिखेंगे टू, ठीक है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारे पास प्लस जीरो ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद टू इंटू माइनस वन को करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू, और माइनस फाइव इंटू थ्री को करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस फिफ्टीन। अब टू इंटू टू को करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर, और जब इसको प्लस माइनस फाइव इंटू जीरो को करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस जीरो, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा जी माइनस टेन। जब इसका जवाब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू प्लस जीरो टू आएगा। जब इसको हल करेंगे माइनस टू और माइनस फिफ्टीन को तो हमारे पास आएगा माइनस सेवनटीन। फिर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर फोर, ठीक हो गया। ये आ गया जी हमारा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये क्या है हमारा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये दूसरी से, ठीक है, ये दूसरी से। अब क्या होगा ए ट्रांसपोज, अब ये हम लिखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सेकंड से करेंगे, हमने साबित करना है, वाजे करना है कि बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये वाजे करें। तो कैसे हम वाजे करेंगे, हम लिखेंगे हल, हमारा हल क्या है, पहले हम पहले बी और सी मालूम करते हैं, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे बी सी बराबर है, बी हमारे है वन टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। तो माइनस टू सिक्स थ्री और माइनस नाइन, ठीक है। अब इसको हम करेंगे हल, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वन इंटू माइनस टू और टू इंटू माइनस थ्री, टू इंटू थ्री सॉरी माइनस नहीं है यहाँ, तो हमारे पास आएगा वन इंटू
माइनस टू और हम फिर लिखेंगे प्लस टू इंटू थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नंबर दो पर वन इंटू सिक्स और टू इंटू माइनस नाइन, ठीक है। तो इसको हम नीचे लिखेंगे वन इंटू सिक्स प्लस टू इंटू माइनस नाइन, ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे माइनस थ्री इंटू माइनस टू और माइनस फाइव इंटू थ्री, ठीक है। ऐसे लिखना है तो हम लिखेंगे माइनस थ्री इंटू टू और जी माइनस फाइव इंटू थ्री, ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस थ्री इंटू सिक्स और माइनस फाइव इंटू माइनस नाइन, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस थ्री इंटू सिक्स और जी प्लस माइनस फाइव इंटू माइनस नाइन, ठीक हो गया। तो हमें बराबर का निशान जरूर करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, मजीद हम करेंगे इसको हल, तो देते हैं रेड तब के। तो हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे इसको हल, तो हमारे पास नीचे जाके आएगा माइनस टू और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस सिक्स, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा थोड़ा सा दूर जाके हम लिखेंगे सिक्स और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा जी माइनस एटीन, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा जी फिर सिक्स और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस फिफ्टीन और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास थ्री सिक्स सा दोबारा हमारे पास माइनस एटीन आएगा, ठीक है। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस फोर्टी फाइव, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको मजीद हल करेंगे हम, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास माइनस ट्वेल्व आएगा, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा जी माइनस सॉरी माइनस नाइन आएगा, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी सेवन, ठीक हो गया। तो अब इसको हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी सी हम लिखेंगे बी सी ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, हम इसके कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो मैं चेंज करूँ तो इस कॉलम को हम रो में करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर माइनस नाइन और जब इस कॉलम को हम रो में करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ट्वेल्व और ट्वेंटी सेवन, ठीक हो गया। ये हमारा क्या है फर्स्ट से या, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मालूम करते हैं। अब बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी बराबर है क्या है माइनस टू सिक्स थ्री नाइन, ठीक है। अब इसका सी का क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसके जो हमारे पास कॉलम है इस ये कॉलम को हम रो में और इस कॉलम को भी रो में चेंज करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो हमारे पास आएगा माइनस टू थ्री और सिक्स माइनस नाइन, ठीक है, ये आ गया। अब हम कर रहे हैं बी का ट्रांसपोज, तो हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास है वन टू और माइनस थ्री और माइनस फाइव, ये है हमारी बी की रकम, ठीक है। तो हम बी का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास आएगा वन माइनस थ्री, ये कैसे है ये यहाँ कॉलम को हमने रो में किया, फिर हम दूसरे के कॉलम को क्या करेंगे रो में करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा टू माइनस फाइव, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा बी का ट्रांसपोज। अब हमें करना है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो ये बराबर है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमारा फर्स्ट जो मैट्रिक है वो है माइनस टू और थ्री सिक्स और माइनस नाइन, ठीक है। और बी ट्रांसपोज बी क्या है, बी हमारा क्या
है, मैट्रिक मैट्रिक डी में है, 1-3 2-5 ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे जी हल, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे -2 × 1 और 3 × 2 ठीक है। तो हम नीचे जाकर लिखेंगे -2 × 1 और +3 × 2 ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे -2 × -3 और 3+3 × -5 ठीक है। तो नीचे जाकर हम लिखेंगे -2 − 3 × -3 + 3 × -5 ठीक हो गया। अब हम करेंगे दूसरी नंबर, ये तीसरे नंबर पर 6 × 1 − 9 × 2 तो हम लिखेंगे 6 × 1 + −9 × 2 ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे हम लिखेंगे 6 × −3 और 9 × −5 तो इसको हम नीचे ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 × −3 + −9 × −5 ठीक है जी। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये इनको हम मज़ीद जो है हल करेंगे। तो इसको हम जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर -2 और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा +6। तो जब इसको हल करेंगे तो थोड़े से फासले पर हम लिखेंगे 6 और जब इसको हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे जी -15 आएगा हमारे पास। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 6। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा -18 और जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा -18 ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा +45 ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम मज़ीद जो है हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास जी जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा -9। मज़ीद इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा -12 और इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम BC transpose = C transpose और B transpose ठीक है। ये बराबर है फर्स्ट और सेकंड से ठीक हो गया। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है ठीक है। ये दोबारा देख सकते हैं पूरा सवाल पीछे से, ये हमने मुकम्मल जो है ये सवाल कर लिया है। आपने लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना है। इस तरह मैं सारा जो ना मैथ आपको हल करवाऊंगी ठीक है इंशाल्लाह इसी चैनल पर। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, जीते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लेसिंग्स ब्लेस ऑनलाइन स्कूल।